भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। शिव भक्त कांवड़िए पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत और उनके रुकने के लिए जगह जगह शिविरों का भी आयोजन किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। कुछ नंगे पांव तो कुछ पांव में घुंघरू बांधे और कंधे पर पवित्र गंगा जल लिए ये हैं शिव भक्त कांवड़िए, जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने निवास स्थानों की ओर लौट रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई आस्था के इस पर्व में रंगा दिखाई दे रहा है। इस बार की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए देशभक्ति के रंग में भी रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी कांवड़ों पर तिरंगा लहराता दिखाई दे रहा है। आस्था के इस पर्व में कांवड़िए काफी उत्साहित है। बोलबम के नारों के साथ श्री भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भर के अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों बढ़ने जाते हैं आप? बस भोलेनाथ के हो है कृपा, हमारा हम भोलेनाथ से जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा मन को शांति मिलती है। मन्नत मानते हैं वो पूरी हो जाती है। माता पिताओं के लिए दिल की अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। 14 साल इच्छा पूरी हुई है। बहुत खुशी है महादेव जी से मिलके। बोले की कृपा है। इस लंबे सफर में खासतौर पर बुजुर्ग कांवड़ियों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए चिकित्सक कुछ सलाह भी दे रहे हैं। जिन लोगों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि घुटने में विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गठिया की परेशानी है या किसी के बैक में परेशानी है, डिस्क में प्रॉब्लम्स हैं, डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस है, तो ऐसे लोगों के लिए ये यात्रा पैदल चलने वाली जो यात्रा है, वैसे तो जा सकते हैं जो वाहन से जाते हैं, पर पैदल चलने वाली यात्रा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ेगा ही, इतना नहीं चल सकते हैं। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यात्रा है, कठिन यात्रा है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके घुटने में परेशानी है या बैक में परेशानी है या जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये यात्रा एडवाइजेबल नहीं है। और अगर वो यात्रा ये करते भी हैं तो वो ब्रेक में करें, किसी सहायता के द्वारा करें और बीच बीच में डॉक्टरी सलाह लेते हैं। हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते जगह जगह कांवड़ शिविर भी देखे जा सकते हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भव्य व्यवस्था की गई, चाहे फिर वो भोजन की व्यवस्था हो या फिर कांवड़ियों के आराम करने की जगह। इतना बोला यहाँ आता है, आप भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था यहाँ सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे ये शिविर चलता है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ रहती है। इसमें कहीं भी कोई भोले के लिए दवाइयाँ, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सावन का महीना भोले का महीना, भोले के परिवार का महीना, ऐसा महीना हर आदमी इसके रंग में रंग जाता है। और ये जो जितने कांवड़ शिविर दिल्ली के अंदर लग रहे हैं, जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ दिल्ली होकर निकलते हैं वो भी आनंद लेते हुए जाते हैं और दिल्ली वालों को भी एक आनंद बरसा कर जाते हैं। भोले बाबा की इतनी कृपा है, हम सब लोग जब व्यवस्था में लगते हैं तो ऐसा लगता है कि भोले के चरणों में सेवा कर रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लाते हैं। कांवड़ में भी खड़ी कांवड़, झूला कांवड़ और डाक कांवड़ आदि शामिल है। इसमें सबसे रोमांचित करने वाली कांवड़ डाक कांवड़ कही जाती है। कितनी भव्य सुंदर झांकियां भी इस यात्रा के अंदर देखने को मिल रही हैं। आस्था के इस पर्व के अंदर लोग काफी उत्साहित हैं, श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो चारों ओर श्रद्धा का माहौल है और अब खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई।